नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज मेरे पास हुंडई एलिटाई 20 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी है। गाड़ी में बहुत ही छोटा सा एक प्रॉब्लम हुआ है, छोटा नहीं कहेंगे, एज ए कस्टमर अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो मतलब पैनिक होने की चांसेस है। तो अगर आप कोई एटी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उस केस में कुछ चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस गाड़ी में जैसा कि हुआ है, देखिए ये जो शिफ्ट लीवर है ये लीवर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। ब्रेक मैंने दबा के रखा बट आफ्टर दैट ये मूव नहीं कर रहा है। अगर कभी भी आपके साथ भी ऐसा होता है, आपकी गाड़ी में भी ये शिफ्ट लीवर मतलब अटक जाता है, तो इसके लिए एक छोटा सा चीज़ है जो सबको पता होना चाहिए एटलीस्ट, वो पहले दिखाऊंगा और उसके बाद इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम हुआ है कैसे सोल्यूशन करना है क्या है वो आगे दिखाऊंगा। लेकिन एज ए कस्टमर पहले दिखाते हैं कि क्या आपको जानना है और प्रॉब्लम होने पर ये करना है। ये मैंने ब्रेक दबा हुआ कंडीशन में इसको टान रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। इस तरह की सिचुएशन में करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट लॉक रिलीज ये जो स्विच लिखा हुआ है इसका एक काम है और इसीलिए ये लिखा गया है। पकड़ो कैमरा को। अब जैसा कि आप देखा कि ये काम नहीं कर रहा है, ये हिल नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको इस स्विच को दबाना है। मतलब ये देखिए ये दब रहा है, ठीक है। हर एक गाड़ी में ऐसा नहीं होता है कि हाथ से या उंगली से हो जाता है, कुछ गाड़ी में ये सिस्टम ऐसा रहता है कि चाबी से आपको करना पड़ेगा। तो इसमें ये उंगली से होगा, ये मैंने दबाया और इस सिचुएशन में ये स्विच पूरा अंदर तक भी गया, अब ये मूव हो रहा है, ठीक है। साइड से थोड़ा इसको यहाँ से दिखाओ ताकि स्विच जो अंदर जा रहा है पकड़ो। ओके, अब देखिए मैं इसको जैसे ही दबाया, पहले स्विच मेरा अंदर तक इतना तक नहीं जा रहा था, पूरा अंदर जा रहा है। ओके ठीक है, क्लियर। अब मैं पहले इसको सर, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ पे ये एक बार देखते हैं। अब दोस्तों इसको समझने के लिए मैं इसका कंसोल जो है ये खोल दिया। जो ब्रेक है, जैसे ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक को मैंने जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे ये कंसोल में तुम दिखाओ, जब भी ब्रेक दबाएंगे इग्निशन ऑन कंडीशन में तो यहाँ पे ये जो ये लीवर स्विच मतलब एक सोलेनोइड टाइप का है जिसका काम क्या है, ब्रेक दबाने से ही ये लीवर को ये नीचे की तरफ पुल कर लेगा। और जैसे ही ये लीवर नीचे की तरफ पुल होगा तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर में जो शिफ्ट लॉक का ये जो पोजीशन है ये दबा रहा है तो अभी नहीं जा रहा है नीचे, क्योंकि नीचे में अगर आप अगर देखेंगे यहाँ पे अच्छे से दिखाओ, ये देखिए अटक रहा है, ठीक है, इस पोजीशन में अटक रहा है क्योंकि ये लीवर नीचे नहीं जा रहा है। अगर ये लीवर नीचे जाता तो तब ये पूरा रिलीज होता और ये मेरा काम करता, बट क्योंकि काम नहीं कर रहा है ये लीवर तो ये दबाने से नहीं हो रहा है। अब हम लोग रिलीज जो ये शिफ्ट लॉक रिलीज है इसको जब दबाते मैनुअली तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये लीवर एक नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये नीचे आके करता क्या है, यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसको दाबता है एक्चुअली, और ये दाबने से देखिए क्या हो रहा है, उधर दिखाओ, ये जब दाब रहे हैं तो ये लीवर जो काम एक्चुअली करना चाहिए ये नहीं कर रहा था, अब मैनुअली कर रहा है, ये जो है ये जाके इसको ढकेल रहा है, ठीक है। और इसके चलते जैसे इधर चला जाएगा तो मेरा ये लीवर रिलीज हो रहा है, ये मैनुअल काम कर रहा है। अब ये क्यों हो नहीं रहा है, ये क्यों नीचे नहीं जा रहा है, इसको अब डायग्नोस करना है। तो यहाँ पे जो इंडिकेशन है एक बेसिक सी चीज़ है, जैसे ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक का, अब एक बेसिक सी चीज़ है, ब्रेक जब दबाएंगे तो ब्रेक का एक इंडिकेशन, कुछ गाड़ी में ये इलेक्ट्रिकल स्विच के थ्रू होता है और कुछ गाड़ी में एक केबल दिया हुआ रहता है, जैसे आप ब्रेक दबाएंगे तो केबल जाके इसको टान लेगा, बट इसमें केबल वाला सिस्टम नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकल स्विच से कंट्रोल है। ब्रेक दबाएंगे जो ब्रेक लैंप का स्विच है वही स्विच एक इंडिकेशन दे देगा अपना जो बॉस है ECM को। अब ECM क्या करेगा, इस शिफ्ट लीवर को रिलीज करने के लिए उस सोलेनोइड में या स्विच में करंट भेज के उसको डाउन करेगा, बट इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक लाइट जो है ये ऑन ही नहीं हो रहा है। ये मैंने मैनुअली आंखों से देखा कि ब्रेक लाइट ऑन नहीं हो रहा है। अब इसकी डेटा देखेंगे, ये डेटा में क्या दिखा रहा है, अच्छा अभी डेटा में मैं डायरेक्टली सर्च करता हूँ BRA ब्रेक LAMP सर्च, ब्रेक लैंप
स्विच एक्टिव, ये ऑफ है, जैसे ब्रेक दबाएंगे तो ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ब्रेक दबाने से भी देखिए ये जो लैंप है ये ऑन मेरा नहीं हो रहा है, ब्रेक लैंप ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डेटा मैंने यहाँ से देख लिया और मेरा लाइट भी नहीं जल रहा है। अब ये ब्रेक पैडल है, तो ब्रेक स्विच जो है एक्चुअली इसके नीचे, बाकी गाड़ी की तरह सेम ये ब्रेक स्विच लगा हुआ है। ब्रेक जैसे दबाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि ये स्टॉपर की प्रॉब्लम या फिर स्विच का प्रॉब्लम या कई बार ये कनेक्टर की, मतलब कुछ भी हो, तो एटलीस्ट मैनुअल चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ तक देखने से मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक स्विच जो है ये बिल्कुल प्रॉपर है अभी तक। अब इसकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ये मुझे चेक करना है, क्योंकि इसका फ्यूज़ व्यूज़ जो है वो भी कट हो सकता है। अब इसके लिए इसकी जो डायग्राम है वो निकालेंगे। अब डायग्राम में स्टॉप लैंप स्कीमेटिक डायग्राम, भाई स्कैनर के बारे में कोई मत पूछो, क्योंकि ये कंपनी का ओरिजिनल स्कैनर है, ये लोकल में अवेलेबल नहीं है। और इसमें काम करने का डायग्नोसिस का यही सबसे बड़ा मज़ा है। तो यहाँ पे स्टॉप लैंप का मैंने डायग्राम निकाला और जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्ट मेरा गाड़ी हो रहा है, तो ये फ्यूज़ मैं चेक ही नहीं करूँगा। ब्रेक स्विच और स्टॉप लैंप फ्यूज़, ये दोनों जो फ्यूज़ है ये दोनों फ्यूज़ को मुझे अभी पहले चेक करना है, जो कि आईपी जंक्शन ब्लॉक, मतलब अंदर का जो फ्यूज़ बॉक्स है उसमें दिखा रहा है। तो ये 10 एम्पीयर वाला और एक 15 एम्पीयर वाला, ये जो फ्यूज़ है पहले मैं ये दोनों फ्यूज़ को एक बार चेक करूँगा। और फ्यूज़ बॉक्स का ये रहा फ्यूज़ बॉक्स का कवर, फ़िलहाल मैं इसको खोल देता हूँ। ये फ्यूज़ बॉक्स की जो कवर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नीचे से सेकेंड वाला, मतलब इस साइड से ये ब्रेक स्विच है, ये एक फ्यूज़ है और एक फ्यूज़ जो है यहाँ पे स्टॉप लैंप का फ्यूज़ है, ये दोनों फ्यूज़ मुझे चेक करना है। आनंद इधर से थोड़ा मल्टीमीटर पकड़ो, तो पहले हम फ्यूज़ के पीछे से एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे मेरा 12 वोल्टेज शो कर रहा है, बट दूसरा जो पोर्ट है इसमें भी देखेंगे, माय गॉड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा ये 12 वोल्टेज प्रॉपर शो कर रहा है और यहाँ पे ये 0-0 शो कर रहा है, मतलब कि ये फ्यूज़ जो है ये कट होने की चांसेस है। अब क्या करेंगे इसको, ये फ्यूज़ पुलर से मैंने इस फ्यूज़ की जगह एक दूसरा मुझे फ्यूज़ फिट करना है, तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट काम करने के लिए, जब यहाँ पे मैं दूसरा फ्यूज़ जो है ये यहाँ पे फिट कर दिया। अब एक बार वापस चेक करेंगे, परफेक्ट है बिल्कुल, ओके। अब इस कंडीशन में और एक चीज़ करना है, क्योंकि ये फ्यूज़ कट हुआ है तो दो चार बार कम से कम ब्रेक लाइट को प्रेस करके देख लेना है कि अगर शॉर्ट होगा। सही है, ठीक है। अब जो ब्रेक दबाने से ये लीवर ऑपरेट नहीं हो रहा था, अब वो देखेंगे कि हो रहा कि नहीं। अगर ये डायग्राम को मैं अब VCI डेटा भी देखेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ से ये अभी काम, यहाँ पे दिखाओ ये काम कर रहा। अब देखिए एकदम नज़दीक से दिखाओ, ब्रेक जैसे ही मैं दबा रहा हूँ इसको मेन कवर करो, ब्रेक दिखाने की दरकार नहीं है, इसको मेन कवर करो, ठीक है, समझ में आ रहा। तो जैसे ही ब्रेक दबाएंगे इंडिकेशन ब्रेक का जा रहा है ECM में, ECM इस लीवर को खींच रहा है तो ये मेरा रिलीज़ हो रहा है। अब
बिंदास ये जो ऑपरेट पहले नहीं हो रहा था, ये स्विच भी अभी पूरा जा रहा है और इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था मेन काम। और एक फ्यूज कट क्यों हुआ है ये अभी आगे डायग्नोस करेंगे, नया फ्यूज लगा के गाड़ी का रोड टेस्ट वोड टेस्ट करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा छोटा सा वीडियो था लेकिन डिटेल किया ताकि स्टेप बाय स्टेप आप समझ पाए। जब भी मेरे पास ये गाड़ी आया था तो मेरे दिमाग में ये सब डायग्राम की तरह मतलब क्लियर था कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होना चाहिए। अब अगर सिस्टम कोई नया मेरा कोई भाई देख रहा है तो उसके दिमाग में भी इसका एक रहना चाहिए कि सिस्टम कैसा है, और इसीलिए मेरा हर एक वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और एंड तक मुझे जो मिला है फ्यूज़ का प्रॉब्लम, मैं अगर चाहता तो डायरेक्टली आके फ्यूज़ चेक करके फ्यूज़ को भी दिखा के प्रॉब्लम छोटा करके दिखा देता, लेकिन ये जो सारा मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। और एंड में एक बार ये भी दिखाएंगे कि अभी ब्रेक दबाने से जो डेटा मैं देखा था वो डेटा काम कर रहा है कि नहीं, वहाँ पे भी इंडिकेशन कैसे होगा, लेकिन फिर भी दिखाऊंगा, चाहे वीडियो लंबा हो जाए फिर भी मैं दिखाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार कम से कम जो मेरा मैकेनिक भाई है और एज ए कस्टमर आपको जो मैंने शिफ्ट लीवर लॉक के लिए अगर होता है तो कैसे वो रिलीज करना है मैनुअल प्रोसेस वो भी दिखाया, अगर आप कस्टमर है तो उसके लिए भी मुझे कम से कम एक लाइक दे सकते हैं। देखिए ये जो डेटा पहले नहीं ऑफ था, अब जैसे ब्रेक दबाते हैं, ठीक है, पहले ये ऑफ ही था हमेशा,